ऊपर वाले ने दुनिया बनाते वक्त सबसे नायाब जीव बनाया था इंसान। संवेदना, प्रेम, वात्सल्यता, दया आदि की प्रतिमूर्ति ये इंसान क्या आज जानवरों से भी बदतर बनकर रह गया है? केरल में हथिनी की दुर्दशा करने वाले लोगों की तुलना तो जानवरों से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जानवर कम से कम दोगला तो नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। ये घटना उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले की है। घटना की जानकारी एक वन अधिकारी ने अपने फेसबुक पेज पर दी। वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर बताया कि यह मादा हाथी खाने की तलाश में भटकते हुए जंगल से पास के गाँव में आ गई थी। वह गलियों में घूम रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे अनानास खिला दिया जिसमें पटाखे भरे थे। पटाखा हथिनी के मुंह में फूट गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके बावजूद भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बेहद सीधी थी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने आगे लिखा, वह इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं पा रही थी। खाने की तलाश में वह वेलियार नदी तक पहुंची और नदी में मुंह डालकर खड़ी हो गई। शायद पानी में मुंह डालने से उसे आराम मिला हो। हथिनी की जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद उसे पानी से निकाल लिया गया, लेकिन शनिवार को उसकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चंद लोगों की बेवकूफी ने एक हथिनी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान ले ली। हमारे देश में हाथियों की पूजा की जाती है और इनमें भगवान गणेश की छवि को देखा जाता है। हाथियों और इंसानों का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हाथी ने किसी व्यक्ति को धोखा दिया हो। आज मैंने गूगल किया सबसे संवेदनशील जानवर कौन है। होता है तो परिणाम आया हाथी। एक हाथी कभी कुछ भूलता नहीं है, और अगर आपने हाथी के साथ कुछ अच्छा किया है तो आपके संकट के समय हाथी अपनी जान की बाजी लगाकर आपको संकट से निकालने का प्रयास करेगा। अफसोस है कि संवेदनहीन मनुष्यों ने बेकसूर हथिनी को नहीं बख्शा। दो पैरों के ये जानवर दुनिया के अन्य जानवरों से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। सिर्फ एक घटना से हमें ये आकलन नहीं कर लेना चाहिए कि पूरी मानव सभ्यता निर्मम हो चुकी है, लेकिन इस बात का तो अंदाजा लगा ही लेना चाहिए कि हमारे देश में नीच और छोटी सोच वालों की भी कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक हथिनी या एक जानवर का मुद्दा नहीं है। आज भी हमारे देश में कई जानवर रोज तड़प कर दम तोड़ देते हैं, बस उनकी न्यूज नहीं बन पाती। कई बार तो सड़कों पर लोगों की जल्दबाजी का शिकार बन जाते हैं ये बेजुबान जानवर। या कोई पत्थर से मार देता है, डंडे कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से इन पर आघात कर दिया जाता है और ये बेबस बेजुबान चुपचाप सब सहते हैं, और कई बार इन्हीं चोटों से इनकी मौत तक हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे जानवरों की मदद करते हैं और उनका इलाज भी करवाते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों की संख्या बहुत कम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और जानवरों पर हो रहे अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप जानवरों के प्रति संवेदना रखते हैं तो ये वीडियो आगे भी बढ़ाएं, इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो आपको तुरंत मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।